Bismillahirrahmanirrahim. Assalam alaikum friends. I am Abdul Mateen Yunus representing mastery.com. आज मैं आपको इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 जो के चैप्टर नंबर 1 और बुक नंबर क्लास 9th में से दिया गया है उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनके पास मेरी इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। तो आइए लेक्चर का आगाज करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, हमने इसमें ये बताना है कि हमारे पर कौन कौन से मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स हैं, कॉलम मैट्रिक्स हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू 1 हो और बाकी जो आइडेंटिटीज होंगी वो 0 होनी चाहिए, देन नल मैट्रिक्स जिसकी तमाम वैल्यूज हमारे पास 0 हो, तो वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास ए का जो ऑर्डर है वो 2x2 है और इसके अंदर नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इस वजह से ऑर्डर 2x2 है हमारे पास। अब देखा जाए तो इसके अंदर तमाम एंट्री 0 है तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स हो जाएगा क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज 0 है हमारे पास, तो ए इज अ नल मैट्रिक्स। देन नेक्स्ट बी, बी में हमारे पास एक रो है और 3 कॉलम है तो 1x3 ऑर्डर है। अब देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक रो है तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक रो है। देन सी, सी में हमारे पास 3 रो है और 1 कॉलम है तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3x1। तो इन चारों में से जो अप्लाई होगा वो होगा हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉलम है तो हमारे पास सी कॉलम मैट्रिक्स है। अब आप सोच सकते हैं कि मैंने आइडेंटिटी क्यों नहीं कहा, नल क्यों नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए मुझे इसके प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यूज 1 होनी चाहिए जो नहीं है और दूसरा पे हमारे पास जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए यानी 1x1, 2x2, 3x3 होना चाहिए, वो भी नहीं है। देन हमारे पास नल मैट्रिक्स तमाम इसकी एंट्री 0 नहीं है। उसके बाद हम रो को देखते हैं, हम रो के अंदर इसके अंदर से एक रो नहीं, 3 रोज हैं, इस वजह से जो बचेगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स इसके अंदर से एक कॉलम है। देन हमारे पास डी मैट्रिक्स, डी का ऑर्डर है 2x2, 2 रोज हैं, 2 कॉलम है हमारे पास और इसके अंदर हमारे पास देखा जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यूज 1 है और बाकी जो 2 वैल्यूज वो 0 है तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। देन ई की बात करते हैं, ई के केस में हमारे पास प्रिंसिपल इसका ऑर्डर है और कॉलम का जो ऑर्डर रो का ऑर्डर 1x1 है, प्रिंसिपल इसके अंदर प्रिंसिपल जो है वो एक ही है, मींस के हमारे पास एंट्री सिर्फ एक है, 0 ही है। अगर अब हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स की वैल्यू सिर्फ 0 हो, ए तमाम एंट्री 0 हो तो वो क्या होगा हमारे पास, नल मैट्रिक्स, तो ई हमारे पास नल मैट्रिक्स हो जाएगा। देन एफ की बात करते हैं, एफ मैट्रिक्स हमारे पास 5, 6, 7 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं और हमारे पास रोज कितनी है, 3 रोज हैं और कॉलम कितना है, 1 कॉलम है तो हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास रो मैट्रिक्स बी है खाली, कॉलम मैट्रिक्स सी एफ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डी, नल मैट्रिक्स ए एंड ई। लास्ट के हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि आपने वो तमाम मैट्रिक्स मेंशन करने हैं जो कट स्क्वायर और रेक्टेंगुलर आइडेंटिटी है, रो कॉलम नल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन तमाम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लें ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग और आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए। तो इसका जो ऑर्डर है 2x3, देन इसका ऑर्डर 3x1, 2x2। आप प्रीवियस वीडियो बता चुका हूं कि हमारे पास रोज और कॉलम के बेसिस पे मैं ऑर्डर लिखता होता हूं, m क्रॉस n, m रोज और n कॉलम्स होते हैं हमारे पास, तो 2x2, 3x2, देन 1x3, 3x1, देन 3x3 एंड 3x2। फर्स्ट आप स्क्वायर मैट्रिक्स इन सब में से आइडेंटिफाई करना है ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर हमारे पास सेम होना चाहिए, तो हमारे पास इन तमाम में से एक ये 3 मैट्रिक्स, 1 2, ये 3 मैट्रिक्स हो गया, ऑर्डर सेम है, देन 4 मैट्रिक्स इसका ऑर्डर सेम है, देन हमारे पास 8 मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास हो जाएंगे
स्क्वायर मैट्रिक्स, देन रेक्टेंगुलर, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम नहीं है, तो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स, देन टू मैट्रिक्स, वन टू, देन थ्री सेम है, फोर सेम है, फाइव सिक्स, सिक्स के बाद हमारे पास सेवन एंड नाइन। तो ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू वन होनी चाहिए, तो हमारे पास ये स्क्वायर और सम स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो है लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू वन नहीं है, लेकिन हमारे पास फोर मैट्रिक्स है उसकी प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू वन है और बाकी नॉन जीरो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, तो हमारे पास जो फोर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। देन हमारे पास फाइव सिक्स नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स सेवन भी नहीं है, एट स्क्वायर तो है लेकिन इसकी प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू वन नहीं है, टू आ गया है, नाइन भी हमारे पास नहीं है, तो यही हमारे पास सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। देन रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स की सिर्फ एक ही रो हो, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स रो होगा इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि इसकी रो वन नहीं है, ये रो इसकी वन है इस मैट्रिक्स की, यानी कि सिक्स मैट्रिक्स, तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स हो जाएगा। देन सेवन एट नाइन, इंच भी रो एक नहीं है। देन कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स की कॉलम सिर्फ एक हो, देन देखा जाए तो इसका कॉलम थ्री है, इसका कॉलम वन है, तो ये हमारे पास पार्ट टू है वो कॉलम में आ जाएगा। देन थ्री भी टू है, फोर भी टू, टू थ्री वन पार्ट सेवन, देन एट भी नहीं है और नाइन हमारे पास भी नहीं है कॉलम मैट्रिक्स। देन नल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री जीरो हो, तो देखा जाए इसकी तमाम एंट्री जीरो नहीं है, इसकी भी नहीं, थ्री की भी नहीं है, फोर की, फाइव की, सिक्स की भी नहीं है, सेवन की नहीं है, एट की, लेकिन नाइन की हमारे पास जीरो है। तो प्लस हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो है थ्री फोर एट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वन टू फाइव सिक्स सेवन नाइन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास है सिर्फ फोर। देन रो सिक्स मैट्रिक्स है, कॉलम टू सेवन मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स में हमारे पास नाइन आता है, तो ये हमें हमारे देन हमारे पास क्वेश्चन मिस्टी में ये कहते हैं कि आपने आइडेंटिटीज के लिए डायगोनल मैट्रिक्स हमें आइडेंटिफाई करके बताने हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू वन होगी, स्केलर जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू सेम होंगी, डायगोनल इसकी प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू एटलीस्ट वन नॉन जीरो होनी चाहिए, और इन तीनों की जो सेम हमारे पास जो होगा सिंपल डायगोनल की वैल्यूज जीरो होंगी। तो ये स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट हमारे पास ऑर्डर लिख लें, ऑर्डर टू बाय टू, टू बाय टू, टू बाय टू, टू बाय टू एंड टू बाय टू, तो ये तो आइडेंटिफाई हो गया हमें कि सात तमाम मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब कि इनका ऑर्डर टू बाय टू ही है, तो ये इनमें से तीन मैट्रिक्स इजीली अप्लाई हो जाएंगे इन सब पर, तो कोई मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी कुछ स्केलर को डायगोनल होगा। तो आइए ए को देखते हैं, फर्स्ट ए में हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू हमारे पास सेम है, तो सेम है तो इसका मतलब ये हमारे पास स्केलर हो जाएगा, ए मैट्रिक्स स्केलर है। देन बी मैट्रिक्स को देखें, तो बी मैट्रिक्स में हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू हमारे पास नॉन जीरो है, और नॉन जीरो के साथ साथ हमारे पास सेम नहीं है, तो ये हमारे पास डायगोनल हो जाएगा। देन हमारे पास सी मैट्रिक्स में हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल की जो वैल्यू है वो वन है, यानी वन का मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास, तो ये सी आइडेंटिटी हो जाएगा। देन डी में हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू एटलीस्ट नॉन एक जीरो होनी चाहिए, और उसके अलावा वो सेम भी नहीं है, तो हमारे पास जो डी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, डायगोनल मैट्रिक्स। देन अगर हम ई मैट्रिक्स की बात करते हैं, इसको सॉल्व करें हम, तो ये टू वन जीरो जीरो मैट्रिक्स ई मैट्रिक्स बनता है। अब देखा जाए, सॉरी टू है, तो हमारे पास ऑर्डर सेम है इसका और वैल्यू भी प्रिंसिपल डायगोनल की सेम बन गई है, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सी मैट्रिक्स है, स्केलर में ए ई मैट्रिक्स है, डायगोनल में बी डी मैट्रिक्स है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर में ये कहते हैं कि आपने इन तमाम मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करके बताने हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे आएगा, अगर हम इन तमाम मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो माइनस जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो इनके ऑटोमेटिकली जो अंदर के एंट्रीज होंगी वो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब आपको एक चीज पहले आपको याद करवा दूं कि हमने छोटी क्लासेस में यानी कि 5, 6, 7 क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस
प्लस रहेगा। तो हम इसी रूल को फॉलो करेंगे। अब आप देख लें, अगर मैं माइनस एक करता हूं यानी कि माइनस को एक से मल्टीप्लाई कराता हूं तो मेरे पास प्लस माइनस साइन क्या हो जाएगा, मेरे पास अंदर का माइनस हो जाएगा। देन माइनस जीरो भी फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस एक आंसर मेरे पास प्लस वन आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं माइनस बी करता हूं तो माइनस ये तमाम प्लस है मेरे पास, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा उस रूल के मुताबिक। देन अगेन माइनस सी करता हूं तो मेरे पास ये तमाम साइंस क्या है, पॉजिटिव है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये, देन माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, देन माइनस डी, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस ये प्लस था ये प्लस है, माइनस प्लस मेरे पास ये माइनस टू आ जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस फाइव हो जाएगा। देन माइनस ई की बात करते हैं, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस है ये भी प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस टू, माइनस प्लस माइनस। तो हमने क्या किया, हमने जो मैट्रिक्स गिवन थे ए बी सी डी ई, हमने इनको एक माइनस से मल्टीप्लाई कराया जिसकी वजह से तमाम साइन थे वो चेंज हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पहले के साइन थे वो डिफरेंट है इनकी निस्बत, तमाम एंट्रीज के साइन चेंज हो गए हैं। और किनके बेसिस पे चेंज किया, हमने इन रूल्स के बेसिस पे चेंज किए हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस 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 होता है। देन क्वेश्चन नंबर 5 में हमने तमाम मैट्रिक्स के ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। ट्रांसपोज निकालने का तरीका क्या होता है कि आप नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। सपोज मेरे पास मैट्रिक्स ए है, इसको कैसे ट्रांसपोज निकालूंगा मैं, पहले तो आप एक छोटा टी लिख लेंगे, इसका मतलब ट्रांसपोज होता है। देन आपके नंबर ऑफ रोज है मेरे पास 0, 1, 2, इनका कॉलम में चेंज कर दें 0, 1, 2, तो ये मेरे पास ट्रांसपोज निकल आया। देन मेरे पास 5, 1, 6, तीन मेरे पास रोज हैं और एक कॉलम है, तो इनको मैं कन्वर्ट कर दूंगा, तीन रोज के मेरे पास तीन कॉलम बन जाएंगे 5, 1, 6। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या था मेरे पास 3 by 1, अब इसका क्या बन गया है 1 by 3, तो नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम मैंने चेंज कर दिया। देन इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास 3 by 2, तो इसका क्या ट्रांसपोज बन जाएगा सी टी का मेरे पास बन जाएगा, ये बनेगा 1, 2, देन 2 - 1, देन 3, 0, ये मेरे पास सी का ट्रांसपोज निकला है, यानी कि नंबर ऑफ रोज को मैं नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर दिया। 1, 2 ऐसे था मैंने इसको यू लिख दिया, 2 - 1 ऐसे गिवन था मैंने इसको यू लिख दिया, देन 3, 0 को इस तरह लिखा हुआ था मैंने इसको 3, 0 को ऐसे लिख दिया, तो ये मेरे पास ट्रांसपोज है। देन डी की बात करें, इसका ऑर्डर 2 by 2 है और जो इसका ट्रांसपोज बनेगा वो क्या बनेगा के 2, 3, 2, 3, 0, 5, 0, 5 आ गया, तो ये डी टी इसका ट्रांसपोज आ गया। देन ई की बात करते हैं, ई में भी सिमिलरली हमारे पास वही काम होगा कि ई टी को हम कन्वर्ट कर देंगे इसके नंबर, यानी कि जो ये नंबर ऑफ रोज है वो इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाएंगी। 2, 3 इसकी रो है ये कॉलम बन जाएगी, -4, 5 इसकी रो है वो इसकी कॉलम बन जाएगी। देन हमारे पास एफ में हमारे पास का ट्रांसपोज क्या आएगा, 1, 2 इसकी रो है इसकी कॉलम बन जाएगी, 3, 4 इसकी रो है वो इसकी कॉलम बन जाएगी। तो हमने इसमें ये देखा कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। ट्रांसपोज लेने का सिंपल तरीका कि जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज है वो 0, 1, 2 उसको एक ही बात करता हूं तो वो 0 है वो कॉलम बन जाएगा, 1 है वो कॉलम, 2 है वो कॉलम बन जाएगा। तो ये हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 मल्टीप्लिकेशन एक्सरसाइज में वो ये कहते हैं कि आपने ये प्रूफ करना है कि अगर हम एक ट्रांसपोज लें और बाद में अगेन उसका अगेन हम ट्रांसपोज लें तो हमारे पास वो वैल्यू ए के बराबर आने चाहिए। सिमिलरली बी पार्ट में भी ये कहते हैं कि आपने पहले बी का ट्रांसपोज लेना एक दफा, जो आंसर आएगा आप उसको दोबारा ट्रांसपोज लेना है तो जो वैल्यू आएगी आंसर आएगा वो बी के बराबर आना चाहिए। तो हाँ ये प्रूफ करते हैं इसे, हम पहले हम ए का ट्रांसपोज लेंगे। आपको बता चुका हूं ए का ट्रांसपोज का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर रहे हैं, यानी कि 1, 2 हमारे पास रो है ये कॉलम बन जाएगी, 0, 1 जो रो है वो
कॉलम बन जाएगा हमारे पास, ये ए टी आ गया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए टी का अगेन ट्रांसपोज देना है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ट्रांसपोज थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ, बाकी नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये टी, अब क्या बनेगा हमारे पास, ये रो है कॉलम बन जाएगी 1 0, ये रो है 2 1, ये कॉलम बन जाएगी। तो देखते हैं कि जो हमने निकाला है यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्या वो वैल्यू ए के बराबर आई है, 1 2 1 2 0 1 0 1, तो इसका मतलब ये वैल्यू ए के बराबर हो गई है और हमारा जो ये प्रूव है ये करेक्ट हो गया है। देन बी का चेक करते हैं हम, बी में हमारे पास पहले आप बी का टी निकालेंगे, मतलब कि आप एक सिंपल ट्रांसपोज निकालेंगे, सिंगल ट्रांसपोज निकालने के लिए आप बी की वैल्यू लेंगे और जो ये रो है हमारे पास 1 1, ये कॉलम बन जाएगा, 2 0 रो है ये कॉलम बन जाएगा। देन हम इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे 1 1 2 0, ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेंगे, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास जो वैल्यू क्या आएगी, 1 2 रो है वो कॉलम बन जाएगा, 1 0 रो है वो कॉलम बन जाएगा। अब चेक करते हैं कि जो बी ट्रांसपोज क्या हम निकाले हैं, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या वो वैल्यू बी बनती है, 1 1 1 1 2 2 2 2, तो इसका मतलब ये हमारे पास बी के बराबर आ गया है, जो हमें ये प्रूफ करना था वो करेक्ट है। तो क्लास ये क्वेश्चन नंबर 6 था जिसमें हमने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया और चेक किया क्या वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आता नहीं आता, तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ गया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर जो मैंने आपसे डिस्कस किया, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 को सॉल्व किया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 की डेफिनेशंस और कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।